अरे भाई बाइक लाओ। जश्न शादी की शुभकामनाएं देने के लिए मनोज अरंगे पाटिल आज पहुंचे हैं शेख परिवार के इस शादी की शुभकामनाएं देने के लिए। पहुंचेगा कहाँ है, ये आवाज ही नहीं पहुंचेगा उसमें। जश्न शादी की शुभकामनाएं देने के लिए मनोज अरंगे पाटिल आज भीड़ में पहुंचे हैं। एक शेख परिवार में शादी है, तो इस शादी के अवसर पर मनोज अरंगे पाटिल यहां पे मिलने के लिए पहुंचे हैं। आदरणीय मनोज अरंगे पाटिल यांचं आगमन शेख परिवाराच्या विवाह सोहळ्याच्या प्रसंगी या ठिकाणी झालेलं आहे आणि शेख परिवारातील नवदाम्पत्याला शुभेच्छा देण्यासाठी आदरणीय मनोज अरंगे पाटील या ठिकाणी पोहोचलेले लग्न सोहळा प्रसंगी मनोज अरंगे पाटील हे शेख परिवाराच्या विवाह सोहळा प्रसंगी पोहोचलेले आहेत। शुभाशीर्वाद देण्यासाठी पोहोचलेले आहेत।
कुछ भी चले तो जश्न शादी की शुभकामनाएं देने के लिए मनोज रंगे पाटिल आज बीड़ में शेख परिवार के शादी में पहुंचे हैं और बहुत ही भीड़ यहां पर नजर आ रही है। सभी मुस्लिम भाइयों का एक ही यहां पर चल रहा है कि मनोज रंगे पाटिल के साथ फोटो निकालना, सेल्फी निकालने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि ये क्रेज है भाईचारे का और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यहाँ पे मनोज रंगे पाटिल ने खड़ा किया है। क्योंकि मराठीतून जर सांगायला गेलं तर वामन दादा कर्डक एका गीतामध्ये म्हणतात की शिवरायाच्या छायेखाली कधीच नव्हती वाण, आनंदाने नांदत होते हिंदू मुसलमान। आणि नक्कीच आनंदाचा हा क्षण आहे आणि या क्षणाला भेट देण्यासाठी आदरणीय मनोज रंगे पाटील या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। शेख परिवारातील विवाह सोहळ्याला भेट देण्यासाठी आदरणीय मनोज रंगे पाटील बीड या शहरामध्ये आहे आणि प्रचंड मोठी गर्दी सुद्धा या ठिकाणी दादांच्या सोबत सेल्फी काढण्यासाठी झालेली पाहायला मिळते। ही मुस्लिम बांधवांची गर्दी आहे, कारण तू हिंदू बनेगा आणि मुसलमान बनेगा, इन्सान की औलाद इन्सान बनेगा, माणसात माणूस म्हणून बघितलं पाहिजे आणि हाच संदेश मनोज रंगे पाटील देतात। आणि आपण ही सर्व दृश्य या ठिकाणी बीड शहरातील पाहतो। अरे अरे बच्चे देखो ना भाई, अच्छा नहीं रुको 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 एक मिनट, बच्चे के लिए फोटो दे। क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या है? नाम बता। और इसका एक पार्टी ले उधर मिले तो हमारे साथ
ये सभी बच्चे भी पाटिल को मिलने के लिए जरांगे पाटिल को मिलने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। शेख परिवार के एक शादी के अवसर पर मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पहुँचे हैं और पाटिल जरांगे पाटिल के साथ यहाँ पे सेल्फी लेना चाहते हैं। ये बच्चे भी हैं, आइए इनसे पाटिल के साथ मुलाकात कराने के। चलो बच्चों, बच्चा जाओ, चलो बस सब बच्चा जाओ, एक मिनट आ जाओ। ओ झांचे महाराज लेकर ना फोटो करो सर, कहे चलो आ जाओ आ जाओ। अच्छा जब ओ भाई बच्चे बच्चे लेकर ना करो नहीं नहीं काड़े से जाना फोटो काड़े झांचे महाराज जाना कोच कर एकदा लहान मुल पुढे कुणी येऊ नका। आदरणीय मनोज जरांगे पाटलांचा आहे मुस्लिम पाहायला मिळत आहे। ही सर्व दृश्य आपण बीड मधून पाहतो आहोत। आदरणीय जरांगे पाटील सध्या बीडच्या या दौऱ्यावरती बीड मध्ये आहेत आणि पुण्यावरून बीड मध्ये आल्यानंतर अनेक मुस्लिम बांधव या ठिकाणी पाहतोय समोर की प्रचंड घोळका या ठिकाणी दादांच्या सोबत सेल्फी काढण्यासाठी आहे आणि मुस्लिम बांधवांनी एकच सांगितलंय दादांच्या सोबत आम्ही काही शेख परिवार के इस शादी में मनोज जरांगे पाटिल शादी की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं और आज सवेरे से पुणे से हम निकले थे और शेख परिवार की शादी में भी पहुंचे हैं और बहुत जगह पे गांव-गांव में मनोज जरांगे पाटिल ने भेंट दी है और आज हम शेख परिवार के जश्न शादी की शुभकामनाएं देने के लिए मनोज जरांगे पाटिल बीड में दाखिल हुए थे और आपने देखा भी है कि मनोज जरांगे पाटिल साहब के साथ बहुत मुस्लिम भाई भी एक सेल्फी फ़ोटो निकालने के लिए बहुत क्रेज़ मनोज जरांगे पाटिल का पाटिल जी का यहाँ पे दिखाई देता है। आप देख सकते हैं आगे ही मनोज जरांगे पाटिल जी के साथ सेल्फी निकालने के लिए और भी ज़्यादा ही भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है और सभी भाइयों के साथ सेल्फी लिया भी जा रहा है। Allah'a emanet olun.
ऐसा कहा जाता है कि चारों तरफ खुशियों की लहर है, हर तरफ चलता गुणगान है, बरसे ऐसी अनुकंपा ईश्वर की और होठों पे सदा मुस्कान रहे। सभी भाइयों को और यहाँ पे आप देख सकते हैं मनोज जरांगे पाटिल जी के साथ सेल्फी निकालते हुए और शेख परिवार के शादी में, जश्न शादी में मनोज जरांगे पाटिल पहुँचे थे और दूल्हा और दुल्हन को यहाँ पे शुभकामनाएं देने के लिए, इस परिवार को शुभकामनाएं, शादी की शुभकामनाएं देने के लिए मनोज जरांगे पाटिल आज भीड़ में पहुँचे हुए। यहाँ पे मुस्लिम भाइयों का भी कहना है कि जरांगे पाटिल आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ऐसा आपने सुना भी है। और यहाँ पे शेख परिवार के शादी के अवसर पर मनोज जरांगे पाटिल पहुँचे थे और शादी की शुभकामनाएं देते हुए देकर यहाँ से हम निकल रहे हैं और आगे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे। आपका भाई उदय भिस्से पाटिल और इस जश्न शादी की सभी को, ये शेख परिवार को फिर से एक बार हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं देते हैं और यहीं पे रुकते हैं और आप पुनः भेटूया। आपला मित्र उदय भिस्से पाटिल, जरांगे पाटिल यांनी शेख परिवाराच्या विवाह सोहळ्याला भेट दिलेली आहे आणि आपण पुनः भेटूया पुढच्या गावामध्ये आणि तात्पुरतं लाईव्ह स्ट्रीम या ठिकाणी बंद करतो आहे। जरांगे पाटिल येताच कोहिनूर लॉन्स या ठिकाणी प्रचंड गर्दी सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे। आपली गाडी कुठे दादा या लागले तोटे दादा या लागले अभिनंदन मुलाचं नाव ठेवलं छान पैकी, धन्यवाद। कोहिनूर लॉन्स में मनोज जरांगे पाटिल ने शेख परिवार के जश्न शादी में शुभकामनाएं दी है और आज यहीं से हम निकलते हैं आगे, आगे की ओर से क्या होता है, पुढ़े काय होता है हे सुद्धा तुम्हाला मी दाखवेल। पुढच्या गावामध्ये आपण जाणार आहे आणि हिंदू मुस्लिम भाईचारा सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे, कारण आदरणीय जरांगे पाटील सध्या या ठिकाणी थांबतोय, फिनिश करतोय आणि पुन्हा भेटूया पुढच्या गावामध्ये ज्या ठिकाणी दादा पोहोचतील तिथले ही सर्व दृश्य आपल्याला दाखवणार आहे। आपला मित्र उदय भिस्से पाटील, जय जिजाऊ, जय शिवराय, धन्यवाद।